आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान। आज के दिन हम 75वां गणतंत्र के नाम आज़ादी का दिन मना रहे हैं यहाँ लोड़ा में। तो यहाँ पर हमारे जितने भी गांव के निवासी हैं सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और हर साल हम 40 साल से जहाँ पर दिन को मनाते आ रहे हैं, ये हमारा आज़ादी का दिन जो है बड़ी मुश्किल से हमें नसीब हुआ। क्योंकि हिंदुस्तान जब अंग्रेज़ों के ग़ुलाम था तो उस समय हमें अपने मजहबी त्यौहार मनाने पर भी रोक थी। आज उन लोगों ने, जिन लोगों ने 200 साल हिंदुस्तान में राज किया, उनको आज भी चस्का है यहाँ पर, वो गड़बड़ करवाते रहते हैं, पाकिस्तान से हो, चाइना से हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, अपने आप को सेक्रीफाइस किया, कुर्बानियाँ दी, हम आज के दिन उन लोगों को याद करने के लिए इस दिन को मनाते हैं और उनको सल्यूट करते हैं कि जिन्होंने अपने घर बार बर्बाद करके हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया। और आज के दिन हमारा फ़र्ज बनता है कि हम सब रल मिल के इस दिन को मनाएं। ये दिन जो है ये हमारा एक किस्म का त्यौहारों से बढ़कर दिन है। इसमें कोई सियासत नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी जगह मनाते हैं, समाजी लोग भी मनाते हैं, जो कारोबारी लोग हैं वो भी मनाते हैं, जो मुलाजम लोग हैं वो भी इस दिन को मनाते हैं। हम सब ने मिलकर इस दिन को जितनी भी धूमधाम से हो मनाना चाहिए, और देश की एकता के लिए हमने फिर योगदान देना है, फिर सेक्रीफाइस करना है। आज के जो हालात हैं हमारे देश में, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हमें फिरका परस्ती की तरफ ले जाने की कोशिश करती हैं, तो हमें उन लोगों से बचना है। हम लोगों ने फिर इकट्ठे रहना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हिंदुस्तान में पैदा हुए यहाँ पर रहने वाले हों, फिर हमने सबने इकट्ठे रहना है, मिलजुल के रहना है। क्योंकि हमारा ये देश है, इस देश के लिए हम पैदा हुए हैं, इस देश के लिए हमारे पुरखों ने कुर्बानियाँ दी, सेक्रीफाइस किया, इसलिए हम इस देश के लिए इस दिन को जीवित रखने के लिए और अपने पुरखों को जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है उनको याद करने के लिए इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और हमारे गांव में जो पलोड़ा के निवासी हैं सारे मिलकर यहां पर इस दिन को मनाते हैं। जय हिंद, जय भारत।